एक सवाल और पूछना चाहूंगा। 1997 1997 में गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, जो म्यूजिक मुगल थे उस दौर के सबसे बड़े, उस उनकी हत्या हुई और उस उनकी हत्या में शामिल होने का इल्जाम आप पर लगा और आप यहाँ से भारत छोड़कर चले गए, हमेशा के लिए एग्जाइल में चले गए और आप लंदन में बस गए। तो क्या आप रवि अभी जी, अपने हाँ रवि जी सॉरी, मैं आपके क्वेश्चन को एक थोड़ा सा वो करूंगा कि मैं यहां से गया नहीं। मैं ये एक गलत बात लोगों में जो है वो एक गलत जहन में एक वो है कि मैं वहां से गया। मैं कभी भी नहीं गया। मैं तो लंदन में छुट्टियों के लिए अपने आया हुआ था, आप समझ रहे। मैं तो लंदन में ही था। मैं कभी वहां से, जो अनफॉर्चुनेट जो हादसा हुआ, मैं उस वक्त तो मैं लंदन में ही था। लेकिन जो है वो अनफॉर्चुनेटली क्या मिसकंसेप्शन था और क्या मिस इन्फॉर्मेशन था जिसकी वजह से लोगों को आज तक ये, मैं बात आज इसको खुलासा मैं करना चाहता हूँ, यू नो, कि मैं कभी ना भागा हूँ और ना मैंने कोई ऐसी कोई जुर्म किया जिसके लिए मुझे इस तरह की जो है वो सजा मिलने की, यू नो, वो किया था, इल्जाम लगा था। लेकिन बात को आपका मैंने कहना क्लियर कर है, दिया। आपका कहना है कि आप उस वक्त लंदन मौजूद थे जब 12 अगस्त 1997 में गुलशन कुमार की हत्या मुंबई में एक मंदिर में गोलियों से भून कर कर दी गई थी, लेकिन ऐसा क्यों कि आप वापस कभी लौट कर नहीं आए और यहां पर आपने कोर्ट का सामना नहीं किया, आपने केस लड़ा वहां पर नहीं 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 लंदन। नहीं नहीं मैंने सारे भाई भाई मैंने सारे कोर्ट्स का सामना किया है। आपको तो पता है कि लंदन में जो है वो हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में दिया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मेरे फेवर में दिया। उन्होंने बहुत साफ गो से कहा है, यू नो, कि पुलिस ने जो है वो मुझे फैब्रिकेट करके केस में फंसाया है। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें है। और जस्टिस एम एल तलयानी जी का साफ तौर से वो है, मैं उनको वर्बेटिम कोट कर सकता हूँ इफ आई रिमेम्बर, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, कि द कॉन्स्पिरसी चार्जेस अगेंस्ट ऑल द अक्यूज मस्ट फेल। देर वॉज नो कॉन्स्पिरसी रवि जी, ये सारा झूठ था। हमारे पास 2019 एविडेंसेस हैं अगेंस्ट दिस, मटेरियल एविडेंसेस, आप समझे ना। और बहुत ही इज्जत से हमें जो है वो कोर्ट ने बरी किया। ये बात का मुझे सर बड़ा डर था कि भाई मैं अगर वापस जाऊंगा तो पता नहीं ये लोग अपने आप को प्रूफ करने के लिए जो है पुलिस वाले जो है वो पता नहीं क्या किस तरह का मुझे मारने की साजिश कर देंगे। तो आपको इस बात का डर था इसकी कि अगर भारत में या मुंबई में कोर्ट का सामना आप करते, भारतीय कानून का आप सामना करते, तो आपको फंसाया जाता, इस बात का डर था, इसलिए आप भारत में आपने भारत के कानूनों का सामना नहीं किया और यहां पर केस नहीं लड़ा, इसकी बजाय लंदन केस नहीं लड़ा। नहीं लेकिन केस तो हुआ ना, वो तो ट्रायल हुआ ना वहां पर, जो है एम एल तेलियानी साहब का सेशंस कोर्ट में ट्रायल हुआ और उसको एकदम क्लियर कट वे में उन्होंने कहा कि देयर वाज नो कॉन्स्पिरेसी। और ये हर कोर्ट, दुनिया की हर कोर्ट में जहां जहां जाएगा तो इसके बाद जब आपको क्लीन चिट मिल गई थी, जैसा कि आप बता रहे हैं क्लीन चिट मिल गई, तो आप हाथ लौट कर क्यों नहीं आए? फिर से आपने श्रवण के साथ यहां पर रहते हुए आपने हालांकि बाद में 2000 के बाद फिर से संगीत देना शुरू किया था लंदन में रहते हुए, भारत में आकर आपने क्यों फिर अपना करियर शुरू नहीं किया और ये शंका लोगों के मन दूर कर दी कि हाँ मैं गुनाहगार हूं, आपने ये शंका दूर क्यों की? आप यकीन मानिए, मैं कसम खा कहता हूं एक बात को कि हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, मैंने मोहब्बत की है और हमेशा से मरे दम तक मेरी मोहब्बत अपने इंडिया के लिए रहेगी। आपको पता है कि सेकंड नेशनल एंथम जो है वो हमारा ही बनाया हुआ है कि आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, आपको पता होगा ना, जी परवेज जी का जी जी वो हर बार जो है बड़े बड़े सेलिब्रेशन में बजता है। तो वो भावना जो है अंदर की वो तो बाहर आ चुकी है, तो सारे दुनिया के सामने है, आप समझे ना। कहा काम का सवाल, बस वही एक छोटी सी जो है वो बात थी कि डर। और मुझे अपने ही लोगों ने मुझे इस बात को कहा था कि भाई प्लीज आप लौट के मत आइए अभी, बिकॉज ये आपके लिए अभी नहीं अच्छा है, आप जीत चुके हो, यू नो, तो बहुत से लोग नाराज भी हो सकते हैं इसमें। भारत के जो लेकिन आपके दोस्त थे, उन्होंने करीबी दोस्त थे, उन्होंने आपको ये सलाह दी कि आप मत लौट के आइए यहाँ। एक जी। सवाल और है, जैसे कि आपने बताया कि आपने वहां पर केस लड़ा और आपको बेगुनाह साबित किया गया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि गुलशन कुमार की हत्या के पीछे कौन वो लोग थे, उनकी हत्या क्यों की गई? आपने भी इसके बारे में सोचा होगा, आप खुद को बेगुनाह जरूर बता रहे हैं, लेकिन आपने क्या सोचा कौन लोग थे वो और क्यों उनकी हत्या हुई गुलशन कुमार की? ये सवाल तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि मैं आपको बताऊं, यू नो, कि इसके पीछे क्या था, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। आप यकीन मानिए, मैं
मैंने सिर्फ अपनी जो है इनोसेंस को प्रूफ करने के लिए पूरा जो है दमखम लगाया और इस चीज को प्रूफ करवाया कि भाई आई एम नॉट एट ऑल इन्वॉल्व्ड और ना कभी मैंने ऐसी चीज इतनी गुनाहनी चीज सोची है। गुलशन जी मेरे भाई थे, मेरे भाइयों और भाई रहे और मैं उन्हें बहुत बहुत दिल से प्यार करता हूँ आज भी। चलिए एक दिन से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।